हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बारे में। और सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हम अभी कंप्लीट करवा रहे हैं आपका, वो है जियोग्राफी। और जियोग्राफी का हमने 2 यूनिट्स तक पूरा कंप्लीट करवा लिया। थर्ड यूनिट में भी ऑलरेडी हमने 4 वीडियोज आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जो है विजिट करके आप वो वीडियोज देख सकते हैं। और आज का हमारा है डे नंबर 5। और पिछली 4 वीडियोज में हमने आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन एंड लघु उत्तरीय क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस। तो आज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस थे। तो पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए, कि वो कौन से कारण हैं जिस वजह से विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान रूप से हुआ है। अगर आप एशिया को देख लेंगे तो एशिया में पूरी दुनिया के लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। बाकी 6 जो महाद्वीप हैं उसमें मिलाकर के 40% जनसंख्या निवास करती है पूरे वर्ल्ड की। तो ऐसा क्या कारण है, किस वजह से ये चीज़ें हुई हैं असमान वितरण, कहीं पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या इतनी कम है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो कौन से कारण है, उसके बारे में बात कीजिए। तो बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का। डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है पूरे वर्ल्ड में उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को, उसके बारे में आइए समझते हैं। तो पृथ्वी पर जनसंख्या का जो वितरण है वो काफ़ी विषम और असमान रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे भाग हैं जहां जनसंख्या का सघन रूप देखने को मिलता है, तो कहीं ऐसे भी भूभाग है जहां पर मानव प्रायः शून्य जैसे हैं, मतलब कि मानव है ही नहीं। संसार में पृथ्वी का लगभग 5% भूभाग पर विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। समझ रहे हैं कि विश्व की लगभग 5% पूरी दुनिया में जितना जमीन है, उस जमीन का 5% जो है ना, उस 5% में पूरी दुनिया की आधे जनसंख्या निवास करती है जो है संसार के लगभग 5% जनसंख्या। और जो 50% जमीन है, उस 50% जमीन में संसार की केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। गार्नियर महोदय के अनुसार पूरी दुनिया में संसार का लगभग 86% पूरी दुनिया में संसार का लगभग 86% तथा नई दुनिया में लगभग 14% जो है जनसंख्या निवास करती है। पुरानी दुनिया मतलब पुराने समय से जहाँ पर लोग रहे चले आ रहे हैं वहाँ पर जो है 86% रह रहे हैं, और जो नई दुनिया नया नया एक्सप्लोर किया जा रहा है वहाँ पर केवल 14% जनसंख्या रहती है। और संसार की जनसंख्या का सबसे जो अधिक भाग है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी प्रदेशों में है। एशिया का भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई है, जबकि लैटिन अमेरिका हो गया, अनेक अफ्रीकी देश हो गए, अनेक क्षेत्र हो गए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर प्रायः जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम है। जो है संसार में जनसंख्या के विषम जो वितरण हुआ है उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जिसमें पहला आता है आपका भौतिक और भौगोलिक कारण, और दूसरा आता है आपका मानवीय, सांस्कृतिक और अभौगोलिक कारक। तो देखिए इन कारकों को उपभागों में हम इस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्थिति भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि कौन सा जगह कहाँ पर है, यानी कि किसी प्रदेश की स्थिति वहाँ के जनसंख्या के लिए काफ़ी अधिक घनिष्ठ है कि वहाँ पर जनसंख्या निवास करेगी या नहीं करेगी। यदि हम विश्व की जनसंख्या को मानचित्र पर देखने का कोशिश करें, विश्व की जनसंख्या को हम मानचित्र पर समझने की कोशिश करें कि विश्व की जनसंख्या कैसी है, कहाँ पर है, तो पाएंगे कि विश्व की जो जनसंख्या है वो नदियों की घाटियों और समुद्र तटीय पेटियों पर ही स्थित है, क्योंकि यहाँ प्रायः जो है वो सम जलवायु, समतल धरातल, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, इन चीज़ों के लिए जो परिस्थितियाँ वो अनुकूल मिलती हैं। और भारत की जनसंख्या विकास का महत्वपूर्ण कारण जो है वो उसकी भौगोलिक स्थिति ही है। इसी कारण से इसी प्रकार यूरोपीय देशों की विकास उनकी केंद्रीय देशों की विकास जो है उनकी केंद्रीय स्थिति के कारण ही हो पाया है। दूसरा कारण है जलवायु। पहली थी स्थिति की कहाँ पर कैसा जमीनी स्तर है, दूसरा है जलवायु। किसी प्रदेश की जो जनसंख्या है उसको प्रभावित करने में वहाँ की जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जलवायु में भी तापक्रम और वर्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में सबसे घने बसे हुए क्षेत्रों में प्रायः मानसूनी जलवायु पाई जाती है, या फिर शीत जो है समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेश हैं, क्योंकि ऐसी जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है। यहाँ पर जो है गर्म माह का औसतन तापमान 18 डिग्री से अधिक ना हो और शीत में यह 3 डिग्री से कम ना हो, और इसी में उष्णकटिबंधीय में 100 से 200 सेंटीमीटर तथा शीतोष्णकटिबंधीय में 65 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा जो है वो जनसंख्या के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और काफ़ी उचित माना जाता है, अनुकूल समझा जाता है। तीसरी चीज़ है आपका धरातलीय स्वरूप।
यानी कि धरातलीय स्वरूप का भी जनसंख्या से काफ़ी निकटतम संबंध है। प्रायः जो समतल भागों में जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उसमें कृषि हो गया, परिवहन हो गया, सिंचाई, उद्योग, व्यापार, इन चीज़ों के लिए अनुकूलतम दशाएँ मिलती हैं। अगर हम विश्व के इतिहास को देखें तो हम देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र ही प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। आप दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताएँ उठा करके देख लो, वहाँ के पर बसने के कारण कौन से थे? नदी और ज़मीन। कि जो अगर मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें पाएंगी। मैदानी भागों में आप देखोगे गंगा सिंधु का मैदान हो गया, यांगटी स्क्वांग का जो मैदान हो गया, बंगाल में डेल्टा में जो है जनसंख्या का घनत्व जो है वो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जबकि आसाम की बात करोगे उसमें पर्वतीय क्षेत्र में केवल 69 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। और संसार के चारों जो जनसंख्या समूह वाले बड़े क्षेत्र हैं वो मैदानी भाग ही हैं। इसके विपरीत जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें जनसंख्या के में काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। और नेक्स्ट चीज़ आती है समुद्र तल से ऊंचाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या है वो समुद्र के तटवर्तीय क्षेत्रों में है, जिनकी समुद्र तल से कम ऊंचाई पाई जाती है। क्योंकि जो है एक तो यहाँ की जलवायु उत्तम होती है, दूसरी की समतल धरातल के कारण मानव निवास के लिए अनुकूलतम दशाएँ मिल जाती है। और विश्व की जनसंख्या का लगभग 7/10 भाग समुद्र तल से 1500 फुट की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यानी कि समुद्र के तल से अगर देखा जाए तो 1500 फुट की हाइट की ऊंचाई तक ही विश्व की 10 में से 7 जो जनसंख्या है वो पाई जाती है। मिट्टी के बारे में बात किया जाए तो जो है मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर निर्भर करता है। उसकी उर्वरा जो है अगर अच्छी होगी तो किसान अच्छी फसल उगा सकेगा। नदियों से डेल्टाओं की काप और दोमट मिट्टी इसके लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। तो जहाँ पर मिट्टी अच्छी होगी वहाँ पर जनसंख्या अपने आप बढ़नी है, और जो रेगिस्तान होंगे या पर्वतीय क्षेत्र हैं तो वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाती है। खनिजों की बात करें तो किसी खनिज क्षेत्र में खनिज पदार्थ वहाँ की जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए बंगाल हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, यहाँ खनिज की पेटी में पहले केवल आदिवासी रहते थे, लेकिन जैसे जैसे खनिजों के बारे में पता चला वहाँ की जनसंख्या औद्योगिक पेटी के रूप में बदल गई और वहाँ पर जो है जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। जलपूर्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलपूर्ति का भी किसी भी प्रदेश के जनसंख्या घनत्व में गहरा संबंध होता है, क्योंकि मानव जीवन के लिए जल का स्थान भोजन से भी कई ज़्यादा बढ़कर है। हमें जल की पूर्ति वर्षा, नदियों, तालाबों से होती है, और इसी कारण मानव अपना जो है जहाँ निवास करता है उसको चुनने से पहले पानी की सुविधा के बारे में ज़रूर सोचता है। जो है गंगा सिंधु हो गया, दजला फरात की नदियाँ हो गई, नील हो गई नदियाँ हो गई, यहाँ पर विश्व के किनारे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई गई है और पुरानी से पुरानी सभ्यताएँ यहीं पर जन्म ली हुई हैं नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि पानी की उपलब्धता मिल पाती थी। वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में बात करें तो जो है प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जीव जंतु भी किसी भी स्थान की जनसंख्या को बहुत प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम सघन वन है कहीं पर तो वहाँ की जनसंख्या का घनत्व कम होगा। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या कम सा 47, 23 और 7 है, जबकि प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश में 377 जनसंख्या है प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो इस भिन्नता का, ये 1981 के जनगणना के अनुसार है, तो इस भिन्नता का प्रमुख कारण जो है वो वनस्पति और जीव जंतु हैं। जहाँ अच्छे चारागाह और पशु हैं वहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं। आर्थिक कारक भी इसके पीछे हैं कि किसी भी क्षेत्र की घनी जनसंख्या का कारण वहाँ का आर्थिक विकास होता है। जो क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से अविकसित होते हैं वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। आर्थिक कारकों के क्षेत्र विशेष को उद्योग धंधे, व्यापार प्रणाली, प्रभावतीय ज्ञान, नगरीकरण आदि को है विशेष रूप से देखा जाता है, और वहाँ पर विश्व की बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है। आप दुनिया की कोई भी कंट्री उठा करके देख लो, वहाँ पर जो उसके औद्योगिक क्षेत्र होंगे जहाँ पर लोगों को काम काज रोजगार मिलता है वहाँ पर लोग जाकर के रहना निवास करना पसंद करते हैं। आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों की इंडिया की बात कर लो तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर निवास करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको आर्थिक सहायता मिल पाती है, आर्थिक जो उनकी कमी है उसको वो पूरा कर पाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में बात करें तो अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि में सहायक होते हैं, जैसे कि संयुक्त परिवार, बाल विवाह, संतान उत्पत्ति, धार्मिक कृत्य, पैतृकता के निकट भाग्यवादिता, बहुपरिवार नियोजन में विश्वास ना होना। ये भारत, चीन और पाकिस्तान आदि देशों की जनसंख्या में बढ़ने के पीछे इन रूढ़िवादी जो मान्यताएँ हैं, इन धार्मिक परंपराएँ हैं, इनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। राजनीतिक कारक बताएं तो किसी भी राष्ट्र में राजनीतिक कारकों का वहां की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार की श्वेत नीति के कारण वहां के पर अन्य लोग जाकर के नहीं बस पाए, अतः वहां की सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए वहां की जनता को प्रोत्साहित किया।
इसके विपरीत भारत सरकार परिवार नियोजन पर बल दे रही है। भारत में देश के विभाजन के फलस्वरूप हजारों शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए और इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में जीवन की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था थी वहां जनसंख्या काफी बढ़ती चली गई। तो ये कारण रहे। ऐतिहासिक कारण के बारे में बात करें कि जनसंख्या के पीछे ऐतिहासिक कारक क्या है, तो ऐतिहासिक कारणों से तात्पर्य जो है वो प्राचीन मानव से है। आज प्रायः उन क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या है जहाँ पर मानव इतिहास बहुत पुराना है, यानी कि आप मानव इतिहास उठा करके देख लेंगे, गंगा नदियों के किनारे हो गया, सिंधु नदी के किनारे, यहाँ आज भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानव का इतिहास बहुत पुराना है, तो वहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। जबकि उत्तरी अमेरिका में सभ्यता का विकास बहुत बाद में हुआ है, तो यहाँ की जनसंख्या भी पूर्वी एशियाओं की तुलना में बहुत कम है। तो ये था क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो देख सकते हैं आप काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगला जो क्वेश्चन है जो भारत की जनसंख्या की समस्या के बारे में पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर जो है यूनिट नंबर 3 के डे नंबर 6 में। ओके मेरे दोस्त, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।